नमस्कार, मैं हूं ताजा अपडेट के साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। आप अपने अपने क्षेत्रों की ताजा खबरें देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। निजामबाद तहसील क्षेत्र के सिवली गांव में हजरत मोहम्मद मुस्तफा की बेटी जनाब फातिमा जहरा की शहादत के मौके पर इमाम बारगाह सानिया जहरा में मजलिस सकसल संपन्न हुई, जिसमें मौलाना वसी हसन खान खिताब करते हुए कहा कि इस्लाम की पहली दहशतगर्दी मदीने से शुरू हुई। रसूल की मृत्यु के बाद इकलौती बेटी जनाब फातिमा जहरा के घर में आग लगा दी गई। जलता हुआ दरवाज़ा फातिमा जहरा के पहलू पर गिरा। अत्याचार उनके मानने वाले मुसलमानों ने किया। उन्होंने एकता पर बल देते हुए कहा कि यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एक दूसरे के भाई हैं और आपस में प्रेम बांटते हैं। यह अलग बात है कि कुछ सियासी पार्टियां एक दूसरे को लड़ाने में लगी हैं, लेकिन जनता में आज भी प्रेम की भावना जागृत। मुल्क से मोहब्बत सबसे बड़ा देश प्रेम है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से अंजुमन सिपाही मेहदी क्षेत्र के जनता ने सहयोग किया। कार्यक्रम के संयोजक मोहम्मद रसी समीम हैदर, जो जुल्फिकार हैदर अंजुमन सिपाही मेहदी के सदर फैजी कायम रजा साहेब आदि ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम के संचालन सागर आजमी अध्यक्षता फजल अब्बास ने किया। और मेरा बाप रसूलुल्लाह है और सारे नबियों के सरदार है। वअन्ना अली सैयदुल औसिया और मेरा शौहर सारे बस्तियों का सरदार है। कल इन्होंने कहा कि साहब जो है वो कोई कह रहा था कहां ये लिखा है, तो हमने कहा भैया किताब तो हम लिए थे, अभी याद और ले जाते इसे करते। अगर वो साहब तशरीफ फरमा है तो बिहार में हुआ जेल नंबर 35 पेज नंबर 3 सरवा। हमारे इलाके में जाइए तो जो हम लोग गांव है 14 उस 14 गांव